शादियों का सीजन ही होता है सेटिंग का, यानी कहने का मतलब लड़कियां काफी सर्विस के आती है, बहुत सारी अच्छे अच्छे लड़कियां, पूरा बफर लगा होता है। शादियों का सीजन है और आप सिंगल रह जाओ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि शादियों में किसी को आप कैसे इम्प्रेस कर सकते हो। बहुत ईजी सा टिप्स है, जब भी आप शादियों में जाते हो तो काफी सारी लड़कियों को देखने को मिलती है और उस समय आपके मन में भी होता है कि काश ये वाली मेरी हो जाती, वो पिंक वाली मेरी, वो ग्रीन वाली तेरी, ऐसी कुछ फीलिंग होती है। बॉयज की टॉकिंग होती है और वो चाहते भी है कि कोई मुझे मिल जाए। तो आपको आपकी मनपसंद जो है वो गर्लफ्रेंड कैसे मिलेगी, आप जिसे पसंद करते हो तो आपकी गर्लफ्रेंड कैसे मिलेगी, इस पूरे वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे टिप्स हैं जो मैं बताऊँगी। वीडियो को लाइक करना ना भूले। और सबसे पहला टिप्स जो आपको करना है, देखिए जब आप शादी में जाते हो तो पूरे बंधन में जाया करो, ठीक है, अपने पूरा कॉन्फिडेंस रखा करो। और दूसरी बात है कि लड़कियों के सामने आप एयर देखिए घुमा ना करो। आप सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना है कि कौन सी लड़की है और उसे आपको अप्रोच करना है, कहने मतलब उस तक आपको पहुँचना है एनी हाउ। अब उसके लिए आपको थोड़ा बहुत उसके आसपास तो रहना होगा, उसके हाव भाव को देखना होगा। अगर वो आपको थोड़ा सा इशारा करती है या आपको पता चल रहा है कि वो भी मुझे नोटिस कर रही है, तो आप उसके तरफ ज़रूर से ज़रूर अपना फर्स्ट कदम बढ़ाओ और आप जाके अटैक कर दो। अटैक नहीं करना, आपको करना है कुछ काम। कहने का मतलब है कि वो जहाँ जहाँ जाए आप थोड़ा बहुत उसके आसपास जाया करो और उससे डायरेक्टली आप पूछ सकते हो उसका नाम कि आपका नाम क्या है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, उसकी थोड़ी तारीफ किया करो। या फिर कहो आप इस पार्टी में सबसे अलग दिख रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसी कुछ यूनिक सी तारीफ करे, वो भूले नहीं सवाएंगे, इतनी खुश हो जाएगी। अब आपको ऐसा है कि उससे आपने बात करनी शुरू कर दी तो उसी के पीछे आपको नहीं रहना, अपनी भी मस्ती करो, अपना भी पार्टी में अपनी एंजॉयमेंट आपको कंटिन्यू रखनी है, ठीक है, आपको अपने दोस्तों के साथ रहना है। लेकिन हाँ, इसके बाद लड़का ये नोटिस करती है कि आपके फ्रेंड ग्रुप में या फिर आप किससे जाके बैठते हो, बात कैसे करते हो। अब आप उन दोस्तों के पास जा रहे हो जो बहुत ही बदमाश है या बिहेवियर सही नहीं है, तो बिल्कुल भी वो फिर आपको नेगलेक्ट कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, देखेगी नहीं। फ़ोन नंबर तो दूर की बात है, बात भी नहीं करेगी वो, तो आप मस्ती करो। लेकिन हाँ, थोड़ी वेल मैनर में रहो, अपने आपको वेल मैनर में रखना है। अपने आप को बहुत अच्छे से बन ठन के जाना होता है आपको। और हाँ, अपना परफ्यूम बहुत अच्छे से परफ्यूम लगा के जाना होता है। दूसरी चीज़ है कि आप उससे डायरेक्टली नंबर मांग सकते हो, क्योंकि जैसे आपको पता है पार्टी एंड हो रही है, कब पहुँच गई, उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। जब भी मौका मिले तो आप कहेंगे कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है, वो ज़रूर से ज़रूर इंटरेस्टेड होगी तो आपको देगी। अगर आप नहीं, वो नहीं देंगे, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसे ज़रूर से ज़रूर दो, उसके मन में कॉल करने का विचार आएगा ही आएगा। ये रहे कुछ टिप्स जो मैंने आपको बताए, कैसे लगी ज़रूर से ज़रूर कहना। थैंक यू सो मच।